हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुकी है और दुनिया के 33 आतंकवादी मुल्ला गवर्नमेंट में शामिल हो चुके हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से मैदान में खुल्लम खुल्ला उतर चुका है। आज पाकिस्तान ने 5 देशों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर बात हुई है और हैरानी की बात तो यह है कि इस मीटिंग में तालिबान के प्रतिनिधित्व खुद पाकिस्तान ने किया। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में सिर्फ तालिबान की बात हो रही है और हाल यह है कि तालिबान के कानूनों को पाकिस्तान में लागू किया जा रहा है और अपने मुल्क में तालिबान का कोड देखकर पाकिस्तानी भी हैरान है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान की ये टेरर कैबिनेट इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान में वजीर आजम गुमनाम है लेकिन हर तरफ तालिबान का ही नाम है। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के 22 दिन बाद आखिरकार तालिबान ने आज एक इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर दिया। जिस खबर पर दुनिया की नजरें लगी हुई थी उसका इंतजार खत्म हुआ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर उतनी बड़ी है जितनी बड़ी खबर थी जब तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया था। अफगान सरकार में किस आतंकी को क्या पोस्ट मिली, ISI चीफ को काबुल भेजने का कितना फायदा हुआ, क्या तालिबान ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को तरजीह दी और पाकिस्तान के प्यारे हक्कानी नेटवर्क की ताकत अफगानिस्तान में कितनी बड़ी, इन्हीं बातों पर पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप अपना नफा नुकसान तौल रही है। पूरी दुनिया की नजरों के सामने उन्होंने अफगानिस्तान को फतह किया, पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल किया और अब तालिबान ने हतमी तौर पे अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने कुछ 33 नाम दिए हैं जो उनके वज़रा होंगे और उनके हुकूमती उमूर को चलाएंगे। इस पे दुनिया का रद्देअमल क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्या कहता है, ईरान क्या कहता है, सेंट्रल एशिया क्या कहता है, रशिया क्या कहता है, चाइना क्या मौकिफ इख्तियार करता है, तुर्की और अरब ममालिक क्या कहते हैं, ये सब कुछ बहुत अहम है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अपने टेरर वाला दाग मिटाने के लिए पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की है उससे कहीं ज्यादा कोशिश वो तालिबान के लिए कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आज अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इस बैठक में चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। पाकिस्तान ने खुद इस मीटिंग के लिए 5 देशों को इनवाइट किया। तालिबान कैबिनेट का ऐलान होने के एक दिन बाद हुई मुलाकात का मकसद एकदम क्लियर था। ये सारी कवायद तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए हो रही है और इमरान सरकार इसे लीड कर रही है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी एक चैलेंज होगी तालिबान के लिए, लेकिन आपके ख्याल में इन जो अंदरूनी सियासत है तालिबान की या अफगानिस्तान की, उसको देखते हुए ये जो कैबिनेट अनाउंस हो गई है, क्या चैलेंजेस तालिबान को पेश आ सकते हैं? मेरे ख्याल में हर तरफ तालिबान के लिए चैलेंजेस है। सबसे बड़ी चैलेंजेस कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर थे वो पहले भी मिनिस्टर थे, उनके नाम यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लिस्ट में है, जो कि एक चैलेंज होगा। मसलन इंटीरियर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, अभी जो कुछ तालिबान ट्रेवल कर रहे थे कतर से, तो वो एक अलहदा एक्सेप्शनल एक केस था, अब उनको इजाजत लेना पड़ेंगे। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन गया है। तालिबान की नई सरकार में आतंकियों की फौज हुकूमत संभालने के लिए तैयार है। इस तालिबानी कैबिनेट पर पूरी दुनिया तकनीत कर रही है लेकिन पाकिस्तान का जवाब क्लियर है। इमरान को सिर्फ तालिबान की परवाह है, उन्हें आतंकवादियों के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। अगर लोग करना चाहें और जोर जोर से कहें कि जब तक आप इनको नहीं रखते हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो कौन उनको रोक सकता है? हम नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट। अब हमारा तो बहाना था कि अब तक हमने उनको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया है कि उनका कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुआ था, अब गवर्नमेंट हो गया है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, कौन इंक्लूसिव कौन इंक्लूसिव नहीं है, दिस इज नॉट आवर जॉब। और हमने पहले से कह चुके हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तालिबान के मोस्ट वांटेड आतंकी आज पाकिस्तान के हीरो हैं। इन टेररिस्ट के साथ मिलकर पाकिस्तान अपना कौन सा एजेंडा चला रहा है उसे समझिए। इमरान सरकार का पहला टारगेट नई अफगान सरकार को इंटरनेशनल मान्यता दिलाना है।
पाकिस्तानी आतंकियों को अफगानिस्तान ट्रांसफर करके इमरान खान खुद को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। ये कप्तान का दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट समझिए, इस्लामाबाद को यकीन है कि तालिबान तक पहुंच के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद लेगी। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, तालिबान की वजह से पाकिस्तान के अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर फुल कंट्रोल है और इमरान की कोशिश अफगानिस्तान को नया आतंकिस्तान बनाने की है। लेकिन वजीरे आजम के सामने एक और चैलेंज है, टेंशन ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर अफगान सरकार कब एक्शन लेगी। 15 अगस्त से लेकर अब तक टीटीपी के मुद्दे पर पाकिस्तान की मनमर्जी नहीं चल रही है। आईएसआई चीफ के काबुल दौरे में भी टीटीपी पर बात हुई लेकिन एक्शन अब तक नहीं दिख रहा है। तालिबान ने किया है तो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दो फौजी जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट जो हो चुकी है, जो कि बहुत ही तश्वीशनाक है, वो टीटीपी का जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो उन्होंने 32 हमले अकॉर्डिंग उनके मुताबिक 32 हमले कर चुके हैं और उन्होंने 25 लोगों को मारने की भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि तालिबान की तरफ से अभी किसी भी टीटीपी के हमले की मुजम्मत नहीं आई। एक तो ये पॉइंट में एक बड़ा एक काबिले फिक्र है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि टीटीपी के जो क्यादत है और उन्होंने तालिबान की जो क्यादत है उनके ऊपर बैत की भी है उन्होंने और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की उन्होंने। नियाजी सरकार हर कदम पर तालिबान के साथ है। इमरान और बाजवा की कोशिशों ने पाकिस्तान को भी तालिबानी निजाम के करीब पहुंचा दिया है। तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ है। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के लोग खुलकर तालिबान का विरोध कर रहे हैं। अगर हम ये समझे कि तालिबान के हाथ में हुकूमत आ गई है और इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे और शरीयत का निज़ाम नाफिज करेंगे तो यही वो शरीयत का निज़ाम है जिससे पाकिस्तान 10 साल लड़ा है। हज़ारों लाखों जानें हमने कुर्बान किए हैं, लाखों करोड़ डॉलर हमने जो है कुर्बान किए हैं और हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो अब ये है कि लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करते। जब हम अगर कल को तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान में आ जाए तो क्या कहें? अल्लाह ना करे, क्या मतलब पाकिस्तान में आ जाए उस तरह की हुकूमत आ जाए तालिबान की हुकूमत अगर पाकिस्तान की? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है लेकिन पाकिस्तान उसे अपना मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड मानता है। तालिबान की कैबिनेट में ऐसे आतंकियों की लाइन लगी हुई है, ये देखकर पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। आधे पाकिस्तानी मानते हैं कि तालिबान सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देगी, इससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी और तालिबान की वजह से पाकिस्तान में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग बढ़ेगी। वजीरे आजम खुद भी तालिबान के आने से खुश हैं। हमेशा आतंकियों की तारीफ करने की वजह से उन्हें तालिबान खान कहा जाता है और आज इमरान खान को अपनी जनता की आवाज कान खोल कर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो ये फतह है ही नहीं, एक तरह का कब्जा हो गया, लेकिन फतह उस वक्त होती है जब आम आवाम आपके साथ होती है। मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तालिब भी ना हो। तालिब हम लोग मानते हैं, तालिब सिर्फ मस्जिद तक, मदरसों तक, बस यहाँ तक ही महदूद रहे। मुल्क का तो बिल्कुल ये लोग ना चला सकते हैं, ना इन लोगों के निज़ाम का पता है। ये सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही ये लोग एक दहशत फैला रहे हैं। एक मुल्क की वही हो जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी ना हो वो मुल्क कामयाब नहीं होता है। तालिबान जो है एक्सट्रीमिस्ट है, दुनिया और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, इनोवेशंस कर रही है और ये लोग वो 1400 साल पहले वाले और तलवार बंदूक वगैरह, ना किसी को बोलने की आज़ादी, ना किसी को कुछ करने की आज़ादी। अब पाकिस्तान में अमन की उम्मीद घट रही है, पाकिस्तानी जनता का डर सच साबित हो गया है। तालिबान के दोस्त टीटीपी ने पाकिस्तान पर लगातार अटैक किए, टीटीपी ने नई धमकी दी है और पाकिस्तानी मीडिया को टीटीपी के लिए आतंकी संगठन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पाकिस्तानी मीडिया तालिबान को दोस्त बताता है लेकिन तालिबान के राज में पाकिस्तान का दुश्मन भी ताकतवर बन चुका है। पाकिस्तान ने जो भी हमने ताजा तरीन तालिबान टेक ओवर देखा है उसके बाद टीटीपी के हमले पाकिस्तान में दोबारा बढ़े। एक खौफ ये है कि कहीं कहीं कोई छुपी हुई किसी के अंदर वो ख्वाहिश फिर ना हो कि ये ग्रुप दोबारा हमारे ऊपर हावी हो जाए और वो 20 साल की जंग जिसमें 70-80 हज़ार जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को रहने के काबिल पुरअमन जगह बनाया गया, वो अमन कहीं कम्प्रोमाइज ना हो जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी छीनकर आतंकियों की सरकार बना दी लेकिन पाकिस्तान को अब भी मंजिल दूर नजर आ रही है क्योंकि अब दुनिया के कई बड़े देशों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने चीन और रशिया की एंट्री रोकने के लिए तालिबान पर प्रेशर बनाया है
तालिबान की कोशिश अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान का फंड वापस लेने की है। इससे पहले तालिबान ने खुद ही कतर में इंडियन एम्बेसडर से मिलकर अफगान प्रोजेक्ट शुरू करने की रिक्वेस्ट की थी। यानी तालिबान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, फंड्स जुटाने के लिए वो पाकिस्तान के दुश्मनों से भी मिल रहा है और सुपर पावर्स की इस लड़ाई में पाकिस्तान का प्लान खराब हो रहा है। अब जब तालिबान काबिज हो गए, उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा? इसके आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका तालिबान का अफगानिस्तान में वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है, तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे, खाना जंगी की तरफ देखेंगे। तालिबान पर पाकिस्तान के असर का लेटेस्ट एग्जांपल देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान की लीडरशिप सरकार बनाने पर फैसला नहीं कर पा रही। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे और उनके पहुंचने के 3 दिन बाद ही तालिबान ने नई सरकार का ऐलान कर दिया। हालांकि दुनिया अब भी तालिबान को टारगेट कर रही है। सर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने की ख्वाहिश थी आलमी बरादरी की, बशमूल पाकिस्तान, अमरीका, रशिया, ईरान, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन सकी, यानी बाकी स्टेक होल्डर्स इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं है। ये खालिस्तन जो तालिबान तंजीम के ओहदेदार हैं उनको ओहदे सौंपे गए हैं। तो ये बताइएगा कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्योंकि उनकी शर्तों में से कई शर्तें ये भी थी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए, ये जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, ये एक मामला है जो फ्रेंकली तालिबान को फैसला करना है। ये आप और मैं और दूसरे मुल्क के लोगों को कहना क्या इंक्लूसिव है क्या नहीं है, ये रियली इंटरफेरेंस हो रहा है उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। अभी उन्होंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तालिबान के एक्चुअल फर्स्ट लाइन मेंबरशिप नहीं है, उसके मतलब और कोई नहीं आएगा। जाहिर है और भी आ सकते हैं, इंक्लूड भी हो सकते हैं। तालिबान की मेंटेलिटी को समझना चाहिए। तालिबान में, जितना तालिबान को मैं मिला हूं, मिलता हूं, वो किसी और पे एतमाद ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इस वजह से कोई इम्कान ही नहीं था कि वो किसी को शामिल करें इस स्टेज पे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और तालिबान के फिर बाद में बयानात भी आते रहे कि जो लोग 20 साल जो 20 साल हुकूमत रही है अफगानिस्तान में, जो उनका हिस्सा रहे हैं और लोग उनको जानते हैं, उसी तनाजुर में उनको शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टेंशन अफगानिस्तान की तरक्की नहीं, वहां तालिबान सरकार बनाना है। इमरान का असली टारगेट है इंडिया को अफगानिस्तान से दूर रखना। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक काबुल में इंडियन एम्बेसी खुली हुई है और पाकिस्तान को काबुल की इंडियन एम्बेसी से भी डर लग रहा है। तालिबान के इंडिया के साथ रवाबत, मैं ये बल्कि मेरे लिए बहुत तश्वीशनाक था कि तालिबान ने जिस दिन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, उसकी पहली मुलाकात उन्होंने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल के साथ कतर में की। और उसमें एक और तश्वीशनाक बात थी कि द मीटिंग वॉज रिक्वेस्टेड बाई तालिबान। अब एक और बात आप यहां पर अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में, वहां पे जो अफगानी उनका अमला है वो पेरोल पर है, तनख्वाहें ले रहा है, वहां पे उनका इंडियन एम्प्लॉय नहीं कोई भी, लेकिन काबुल में इंडियन एम्बेसी खुली है अभी भी। काबुल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए, महिलाओं ने हथियार बंद तालिबान को चैलेंज कर दिया। अफगानिस्तान की जनता अब आतंकियों का विरोध कर रही है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इमरान की मीडिया ने अफगान लोगों पर पाकिस्तान के दुश्मनों से मिला होने का आरोप लगा दिया। और अब ये हमें हमारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि हम तालिबान को फेवर कर रहे हैं। कमाल है, आप तालिबान को हम नहीं फेवर कर रहे हैं भाई, तालिबान को आपने खुद अपने लोग कर रहे हैं। इसलिए अगर नहीं फेवर करते तो उनके खिलाफ लड़ते, और ये जो फौज आपने बनाया था खास तौर वो लड़ता, उनका क्या बहाना था अगर वो उनके खिलाफ थे? तो ये काबुल के दर्री स्पीकिंग पश्तून जो हैं, जो दिन रात हमें गालियां देते हैं, जो ये डेमोंस्ट्रेशंस उनका हाथ है, जो ये पैसे लेते हैं हिंदुस्तान से, जो ये पैसे लेते हैं और मुल्कों से जो पाकिस्तान के दुश्मन हो, इन लोगों की बात पे हमें क्यों चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। पड़ोस में तालिबान सरकार बनी तो फटाफट पाकिस्तान में भी फॉर्मूला पहुंच गया।
पाकिस्तान सरकार ने अपने स्टूडेंट्स के लिए नया ड्रेस कोड लॉन्च किया है। ये नियम पाक अफगान सरहद के इलाकों में सख्ती से लागू किया गया है, क्योंकि इन जगहों पर पाकिस्तानी सरकार से ज्यादा तालिबान का खौफ है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। जीन्स, टी शर्ट और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। ख़वातीन असातिज़ा को सैंडल, स्नीकर और स्लीपर पहनने, जबकि मर्द असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर ओढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी निज़ामते तालीम ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तालिबान की आइडियोलॉजी और आतंकियों का सेंटर पाकिस्तान है। इमरान ने जिस तालिबान को अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट किया, वो अब पाकिस्तान पर भी कब्जे की तैयारी में है, और जल्द ही पाकिस्तान में भी इमरान बाजवा के बदले तालिबान की टेरर कैबिनेट दिखाई देगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।